हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। मैं पहुंच चुका हूं फार्म पे और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा काऊ की डीवॉर्मिंग के बारे में, क्योंकि आज मैं अपने सभी पशु को, सभी काव को डीवॉर्मिंग करने वाला हूँ। और आप देख पा रहे होंगे ये मैं आज देने वाला हूँ, इंटास का है, ऑक्सीक्लोजेनाइड एंड लेवामिसोल सस्पेंशन। ये सिरप आज मैं देने वाला हूँ डीवॉर्मिंग के तौर पे। लास्ट टाइम मैंने डीवॉर्मिंग किया था तब मैंने क्लोसेंटाइल दिया था, एस्टर कंपनी का जो आता है वो दिया था, और इस बार मैं ये दे रहा हूँ। और डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है और आगे मैं आपको बताता चलूँगा कि डीवॉर्मिंग से फ़ायदे क्या क्या होते हैं और नुकसान क्या क्या होते हैं। अगर डीवॉर्मिंग ना कराने के नुकसान क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। इस दवाई का डोज 1 ml 4 kg बॉडी वेट है। तो मेरे फार्म पे टोटल पशु है 21 पशु है और मैं ये बॉटल लाया हूँ 25, क्योंकि 3-4 गायें थोड़ी बड़ी है तो उनको मैं थोड़ा ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। ये 90 ml की बोतल आती है। तो अगर आपकी काव का वेट 400 kg के अराउंड है तो ये 90 ml इनफ है उस काव को। अगर 600 kg तक की काव है आपके पास तो आपको थोड़ा ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, 125 से 130 ml तक का डोज आपको देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डोज का खास ध्यान रखना है हमको डीवॉर्मिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट नहीं मिलने का कारण यही है कि प्रॉपर डोज आप नहीं दे पाते, उसका कैलकुलेशन सही से करना पड़ता है तभी उसका रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। दवाई पिलाने में हमको ध्यान रखनी है, अगर उसके नाक में चली गई दवाई तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए जीभ के ऊपर ही सीधा छोड़ देना, और जीभ पकड़नी नहीं है, जीभ खुली रखनी है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मैंने उस काऊ को दवाई पिला दी, डीवॉर्मिंग उसकी कंप्लीट हो गई। और अब मैं आपको डीवॉर्मिंग ना करने के नुकसान बताता हूँ कि हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम डीवॉर्मिंग ना करें तो। इसकी डीवॉर्मिंग 3 से 4 महीने के इंटरवल में कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो नुकसान हो सकते हैं। और नुकसान कुछ ऐसे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन एक तो कम होगा, क्यों, और काऊ के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उस कारण काऊ अच्छे से खा भी नहीं पाएगी, मतलब खाएगी तो सही थोड़ा बहुत पर जितना इंटेक करना है वो नहीं कर पाएगी, और जो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए वो भी उसके कारण नहीं होगा और मिल्क प्रोडक्शन आपकी काऊ का कम हो जाएगा। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है और 3 से 4 महीने के बीच बीच में हमको इसको रिपीट कर देना है वापस। 3 महीने पिलाए उसके 3 महीने बाद वापस डोज दे देना है। और अब मैं इसको इसके फ़ायदे आपको बताता चलूँ कि फ़ायदे कुछ ऐसे हैं कि आपकी काऊ अच्छे से खा पाएगी और रिपीट के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर डीवॉर्मिंग नहीं होती रेगुलर तो रिपीट आपकी काऊ बहुत करेगी, और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर खाएगी पिएगी अच्छे से तो मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना। That you pulled me through. I give it all to you. I do it all for you.